नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो एक्स जी प्लस टॉप मॉडल सीएनजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स टाटा टियागो के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आपका सिटी नेम, स्टेट नेम और पिन कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए, मैं वहीं पर ही रिप्लाई कर आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाटा टियागो के इंजन के बारे में। तो आपको 3 सिलेंडर 1.2 लीटर ICNG इंजन दिया जा रहा है। साथ ही अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो आपको 1199 cc का इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि जनरेट करता है 72 BHP की पावर, यानी कि 72 BHP की पावर एट द रेट ऑफ 6000 के RPM में, और 95 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 3500 के RPM में। नंबर ऑफ सिलेंडर 3 दिए जा रहे हैं, वेव्स पर सिलेंडर आपको 4 मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन टाइप आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर बात करें तो आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जा रही है, और 26 किलोमीटर पर लीटर तक का आपको ARAI माइलेज इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। साथ ही अगर बात करें हाईवे पे माइलेज का, तो आपको 27 किलोमीटर तक का देखने को मिलेगा। BS6 नॉर्म्स के साथ में ये आता है, और पेट्रोल में अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जा रही है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाटा टियागो के डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। तो आपको 3765 mm की लेंथ दी जा रही है, 1677 mm की आपको विड्थ देखने को मिलेगी, और ओवरऑल हाइट जो है इसकी 1535 mm की दी गई है, 1535 mm की। सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की है इसमें। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिया जा रहा है, एक मिनी हैचबैक टाइप का। साथ ही अगर बात करें तो व्हील बेस जो है इसका 2400 mm का आपको दिया जा रहा है। और साथ में अगर इसके सस्पेंशन की अगर अपन बात करें, तो जो इसके सस्पेंशन है फ्रंट में, आपको लोअर विशबोन इंडिपेंडेंट मैकपर्सन स्ट्रट विथ कोइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिए जा रहे हैं, और जो रियर सस्पेंशन है सेमी इंडिपेंडेंट क्लोज्ड प्रोफाइल ट्विस्ट बीम विद ड्यूल पाथ स्ट्रट सस्पेंशन दिए जा रहे हैं। आगे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। बूट स्पेस में आपको बताना नहीं चाहूंगा, क्यों नहीं बताना चाहूंगा वो आप आगे वीडियो के अंदर खुद ही देख लेंगे। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाटा टियागो के एक्सटीरियर के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, फुल शेप एरोडायनामिक बॉडी आपको इसकी दी जा रही है, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। फ्रंट में जो बम्पर है वो भी आपको इसके अंदर बॉडी कलर में ही दिया जा रहा है। क्रोम ग्रिल, क्रोम गार्निश आपको मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी जा रही है, और नीचे आपको क्रोम की ग्रिल दी जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही क्रोम ट्रीटमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसके हेडलैम्प जो है वो आपको हेलोजन दिए जा रहे हैं। फॉग लाइट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाती है, क्योंकि ये टॉप वेरियंट है। साथ ही आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट्स भी इसमें दी जा रही है। लुक वाइज बहुत ही ज्यादा बढ़िया इसको बनाया गया है, ये कह सकते हैं कि अल्ट्रोस का छोटा बेबी है ये, वैसा ही आपको लुक देखने को इसमें मिल जाएगा। साथ ही आपको जो पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया इसमें दिया गया है। और अगर बात करें साइड लुक के बारे में, तो आपको 175/65 के R14 के टायर इसमें दिए जा रहे हैं, ट्यूबलेस टायर ही देखने को मिलेंगे। साथ ही जो है वो आपको इसके अंदर एलॉय व्हील नहीं मिलते हैं। ओवरऑल अगर बात करें साइड ORVM की, तो आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश में ही दिया जा रहा है, और इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और साथ में अगर बात करें तो प्रैक्टिकल नहीं है इसका बॉटल होल्डर, देख सकते हैं ड्राइवर साइड डोर पर। और बात करें तो इसके अंदर आपको पावर विंडोज के पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। क्रोम ट्रीटमेंट में ही आपको इसके लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल आपको इसके सीट देखने को मिल जाएगी, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आपको कोई पुश बटन स्टार्ट वगैरह नहीं दिया जा रहा है टॉप मॉडल के अंदर भी, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। जो फीचर्स हैं वो आपको बेसिकली नॉर्मल ही देखने को मिलेंगे, और जो गाड़ी है वो भी एक तरीके से नॉर्मल ही है, और एवरेज कह सकते हैं जो प्राइस रेंज में आ रही है। और अगर आपको एक सेफ्टी वाली गाड़ी चाहिए तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगती है। साथ ही अगर बात करें तो डिजिटल मीटर कंसोल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बढ़िया इसमें लगता है। स्टेयरिंग व्हील जो है वो भी आपको फ्लैट बॉटम दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। फुली टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो AC के कंट्रोल्स भी आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक दिए गए हैं, तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है इसके अंदर।
और बात करें अब इंटीग्रेटेड जो स्पीकर सिस्टम है इसका, तो वो आपको चार स्पीकर का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। सनवाइजर में आपको ग्लास दिया जा रहा है को ड्राइवर साइड, और जो ड्राइवर साइड है वो आपको यहाँ पर टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको एक माइक भी ऊपर की तरफ दिया गया है अगर आपको कॉल्स वगैरह अटेंड करने हैं उसके लिए। लाइट जो है इसकी वो आपको बीच में देखने को मिलेगी, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो ग्लो बॉक्स है वो भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, डीप दिया गया है। अब बात करते हैं रियर डोर के बारे में, तो जो रियर डोर है उसमें भी आपको जो बॉटल होल्डर है वो प्रैक्टिकल इसमें नहीं दिए जा रहे हैं। नॉर्मल एक स्मॉल साइज की आप बॉटल रख सकते हैं, फुल साइज बॉटल आप इसमें नहीं रख सकते हैं। ड्यूल टोन फिनिश आपको मिल जाता है, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बढ़िया इस कार में लगता भी है। साथ ही एक हैचबैक है तो उस हिसाब से बढ़िया है। हेडरेस्ट आपको इसके अंदर फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। रियर सेंटर में आर्म रेस्ट वगैरह आपको कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। एक बॉटल होल्डर आपको दिया जा रहा है रियर में, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और ड्राइवर साइड के लिए भी आर्म रेस्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेग स्पेस बहुत ही ज्यादा बढ़िया इसके अंदर बनाई गई है, कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का इंटीरियर। साथ ही आपको ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड एयरबैग आपको मिल जाते हैं, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। डोर एजर वार्निंग सीधी आपको इसके अंदर दी गई है। एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। इंजन इमोबिलाईजर, क्रैश सेंसर्स, इंजन चेक वार्निंग, एबीएस, ईबीडी वगैरह के फीचर्स आपको इसके अंदर दिए जा रहे हैं, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। साथ ही टाटा के अंदर आपको पंचर रिपेयर किट और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट आपको इसके अंदर दिए जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही अगर देखा जाए तो टाटा की जो सेफ्टी है वो 4 स्टार सेफ्टी है। तो अगर आप एक गाड़ी लेते भी हैं, अगर आपका बजट है मिनिमम 8 साढ़े 8 लाख का, तो आपको टॉप मॉडल मिल जाएगा। और टॉप मॉडल मिलेगा लेकिन उसके साथ में आपको फीचर्स जो हैं वो भी बहुत सारे इसमें ऑफर किए गए हैं। एक छोटी गाड़ी है, अगर आप एक स्विफ्ट वगैरह या वेगनार वगैरह के लिए भी ये जा रहे हैं तो आप एक इसको देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सेफ्टी आपको मिल जाएगी। रियर में भी आपको विंडो वॉशर वाइपर वगैरह सारी सुविधा इसमें मिल जाती है। साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको मिल जाता है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लुक वाइज पीछे से भी क्रोम का ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिया गया है। अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो आप खुद ही देख सकते हैं बूट स्पेस इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये सिलेंडर बीच में आ गया है। तो ये सिलेंडर, जहां तक की बात है, मेरे को सीएनजी की जो गाड़ियां हैं वो थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल लगती हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी मुझे इतना कुछ खास इसका बूट स्पेस लगा नहीं। अगर आपको लेनी है आप पेट्रोल ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा और अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर आप सीएनजी के हिसाब से देख रहे हैं तो मतलब आपके 4 लोगों का आराम से सामान इसमें आ सकता है, इतनी आपको स्पेस मिल जाती है। वोकल टू लोकल आप देख सकते हैं। साथ ही जो टेल सेक्शन है वो भी इसका अच्छा दिया गया है। और अगर बात करें ओवरऑल इसके डिजाइन एंड लुक के बारे में, तो पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट आपको बहुत मिलेगा। तो अब बात करते हैं टाटा टियागो के रियर में बैठ कर कि कितनी स्पेस इसके अंदर है। साथ ही अगर बात करें लेग स्पेस में, आपको बता चुका हूँ कि लेग स्पेस अच्छी है इसकी। और अगर बात करें तो हेड के लिए भी थोड़ा सा अच्छा हेडरूम। अगर बात करें इसके हेडरेस्ट की तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी आपको इसमें अच्छा खासा दिया गया है। प्रैक्टिकल है, एज अगर देखा जाए तो 5 लोग आप आराम से जा सकते हैं इसमें।